तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर से पॉपकॉर्न निकालती हूँ और ये देखें, ये मैंने वापस पैक कर दिया था। हूँ ना मैं, कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं ना। आज सुबह से लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, बार बार लाइट जा रही जिसकी वजह से पानी भी नहीं चढ़ पा रहा था। बहरहाल अब पानी चढ़ा है तो मैंने कहा लाओ जल्दी जल्दी से बर्तन धो लूँ, और मैं यहाँ पे बर्तन धो लूँ। बर्तन वगैरह तो किचन का सब काम मैं खुद करती हूँ, और घर की सफाई के लिए मैंने हेल्पर रखी हुई है जो कि कपड़े वगैरह धोती है और सफाई करती है, डस्टिंग करती है, घर ना घर झाड़ना, ये सब मेरी हेल्पर का। दूसरी तरफ मैं चाय बना रही हूँ, और आज मेरा दिल चाह रहा था यहाँ की मशहूर गोल्डन बेकरी के समोसे खाने का। यहाँ पर इमरान चटनी निकाल रहे हैं बैठकर समोसों की। से मैंने अपने फेवरेट मंगवाए गोल्डन बेकरी से, और इमरान का बहुत बहुत शुक्रिया कि गोल्डन बेकरी से समोसे ला के दिए। और ये बोलते बोलते और यहाँ पर बोलते बोलते इमरान को सलाम याद आ गया कि यूट्यूब फैमिली से सलाम तू अभी कर लो। सलाम करना भी पहला फर्ज है। तो यहाँ से ये आए देखे समोसे और गर्मा गर्म समोसे, साथ में है चाय, चाय भी तो दिखाने देना मुझे। ये देखो छह समोसे और भी आए हुए घर में मेहमान, खाली मैं अकेले ही नहीं खाऊंगा। तो वही जिस जिसने खाने हैं आ जाए और हमारे साथ चाय और समोसा खाए। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माई चैनल जी। तो आज बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि हमारे घर पर आ रहे हैं कुछ गेस्ट, और गेस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं, और इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो लोग आएंगे तो आप सबसे भी उनको ज़रूर मिल पाएंगे। तो आप लोग करें जब तक इंतज़ार, और मैं करती हूँ जल्दी जल्दी घर के काम। तो यहाँ मैंने रखा था बकूर तो मैं वो निकाल रही हूँ, और ये मेरा इलेक्ट्रिक बकूर है तो आज हम ये यूज़ करेंगे, और मेहमानों को इसकी आहा ज़बरदस्त सी अरोमा जो है वो फील करेंगे जब ये हम इसे जलाएंगे। तो आज मैंने सोचा कि ब्लैक वाला बकूर यूज़ किया जाए, तो चलें बकूर को इलेक्ट्रिक, इसको भी कुछ कहते हैं मुझे भी याद नहीं आ रहा, बर्नर शायद, उसमें ऐड करते हैं। बकूर जलाने से पहले मैंने सोचा पहले चादर तो चेंज कर लें, तो चलें जल्दी से चादर बिछाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ये चादर वगैरह बिछा दी, बस इसे ठीक करना है। तो अब मैं जल्दी से इसके अंदर से पॉपकॉर्न निकालती हूँ और ये देखें, ये मैंने वापस पैक कर दिया था। हूँ ना मैं कितनी सलीकेमंद, ये देखें ये, और एक मिनट निकल जा भाई, और ये निकल नहीं रहा, निकल ये रहा। ये देखें वापस इसी में रख देते हैं, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इसकी अरोमा कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वेरी नाइस, अच्छा मैं थोड़ी सी यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे से पीस निकालूँ हैं, ये इस तरह है इसके अंदर। अच्छा ये आपको मक्के में भी मिल जाएगी, मदीने में भी मिल जाएगी, और यहाँ के जो फैंसी मॉल्स वगैरह हैं जैसे हाइपर स्टार है, और इसके अलावा भी बहुत सी जगहें हैं गल्फ में भी, यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी थी वहाँ पर भी आपको आसानी मिल जाएगा। और अब तो बहुत ज़्यादा हाइपर स्टार के जो इम्तियाज़ वगैरह में भी ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, और लकी वन में भी मिल जाएगी। चलें जी, तो अब मैं इसको जलाती हूँ और आप लोगों को भी सिखाती हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं किस तरह यूज़ होता है। ये इसका कैप है, ये हम इस पर रख देंगे और चलते हैं इसे प्लग में लगाने के लिए। ये देखें इस तरह लग गया है, और अब इसे ऑन कर दें। यहाँ इसका ये छोटा सा बटन है, ये दबाया पहले हमने, मेरे हाथ पे भी लग गया पूरा, और ये बिस्मिल्लाह पानी रही, ये ऑन क्यों नहीं हुआ, अब हुआ है ऑन। अब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। मैंने भी यूज़ किया था तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स दे के आपने इसका नाम नहीं बताया, तो आप लोग भी देख लें, इसका नाम है आशिकुल ऊद, और ये रहा, और अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, ऐसे इसकी ले लें। अच्छा ये दूसरी है मेरे पास खुशबू इसकी, और ये है सबाया बकूर, ये देखें इसका भी ऐसे ले लें।
और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खुशबू महक रही है। मेरा पूरा रूम जो है ना इस वक्त इसकी अरोमा से महक गया। अल्लाह पाक मेरे घर को इसी तरह महकता और हंसता हंसता रखे। आमीन। आप लोग भी कह लीजिएगा। और ये देखें मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये हल्का हल्का सा भी इसमें धुआं निकल रहा है, बिल्कुल लाइट लाइट सा। और अभी बस थोड़ी देर में ये और हीट पकड़ेगा और तेज़ धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। चीज़ें हैं जो कि मैंने ली थी हैदरी मार्केट से, मदनी मॉल में शॉप है और वहाँ पर 150 की, 100 की और 200 की सेल होती है, तो वहाँ से मैंने ये क्लिप लिए थे। ये देखें कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स में बताइएगा। एक ये लिया था और इस पर तो उसके प्राइस भी मेंशन है, शायद नहीं प्राइस नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाती आप लोगों को। और एक लिया था मैंने ये कड़ा, तो मैं भी आप लोगों को इसे पहन कर दिखाती हूँ। ये देखें ये रहा मेरा कड़ा बैंगल्स, कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह से। एयर रिंग भी लिए थे मैंने वहीं से, हैदरी मार्केट से ही, तो ये मैं आपको अभी पहन कर दिखाती हूँ। अच्छा जी, आज मैंने पहने हैं एयर रिंग और ये मैंने लिए थे हैदरी मार्केट से, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और कॉमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, और देख के माशाल्लाह कह दीजिएगा। और फातिमा आई है हमारे से मिलने हमारे घर पर, और वो भी सिर्फ 5 मिनट की है, देखिए 10 मिनट हो गए ना, वही तो सही बात है। 10 मिनट के लिए आई है अपना चेहरा दिखाने के लिए, पप्पा के लिए बस आए और भग गए हो रहे बाहर, तो चले इन्हें सी ऑफ करते क्योंकि पप्पा वहाँ पे बैठ गए हैं। फिर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत अच्छे से ब्लॉग में। पपिया देती है आपने, यहाँ पे पी यहाँ पे पी यहाँ पे चलो ओके सही, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और ये बुशरा जो है ना, ये मैं भी यस बिल्कुल बस अब असली में भी आ जाइए हमारे घर पे। तो ये असली में नहीं है, नहीं आपने तो आप 5 मिनट के लिए आई थी, तो ख्वाब भी लग रहे हैं ना। टाइम लेने कौन आता है ये बताओ, इतनी दूर चले कोई बात नहीं। हमारे यस बस आपने वादा निभाया छुटा के जाना बाहर। ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। तो फातिमा सिर्फ और सिर्फ हमें बिरयानी देने के लिए आई थी, उनके घर में बनी थी आज बिरयानी, वो बिरयानी लेकर आई थी हमें देने के लिए। और मैंने कहा था खाना हमारे साथ ही खाना, अम्मी को भी और उनकी सिस्टर को भी, अब्बू को भी, पूरी फैमिली को, मगर वो नहीं आए। बहरहाल सिर्फ फातिमा और अंकल आए और हमें दिल से बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक उनके रिस्क में ढेरों बरकतें दे और कामयाबी दे और फातिमा के नसीब अच्छे करें। यहाँ पर आती हूँ, मम्मा भी आती हूँ उनकी, मगर उनके घर में कुछ गेस्ट आ गए थे इसलिए सिर्फ वो अकेली पप्पा के साथ आई और जल्दी से चली गई 5 मिनट की थी मुश्किल से। और कुछ खाया पिया नहीं, मेहमानों ने हमें धोखा दिया है जी। तो मिलेंगे आपसे कल के अच्छे से ब्लॉग में, अपना रखेगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखेगा दुआओं में याद। और हमारा प्रोग्राम का फातिमा सुन लो, तुम्हें रेस्टोरेंट में ले जाके मज़ेदार सा डिनर कराने का, जो कि तुमने ना बस भाग गई, लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे को ज़रूर हम डिनर कराएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।